बादशाह फिर क्या सीन है? हेलो शो सीन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान शहीद मोहसिन और आज हाजिर है स्ट्रीट टॉक के चौथे एपिसोड के अंदर। और मुझे वो बंदा चाहिए हु टोल्ड द बॉय कुछ नहीं मिलने वाला रैप से, और जानी टांगों में छाले पड़े हसल करते करते, और अपनी भी हसल स्टार्ट हो गई तो मैं नहीं चाहता कि अपने मुंह में छाले पड़े इसके लिए। हाँ भाई, तो आज के मेहमान से बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा साई, आपका नाम क्या है? साई हमारा नाम अब्दुल करीम है। प्यारे भाई, मुझे आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? साई मैं एक ड्राइवर हूँ। सर आप मुझे ये बताइए कि जो एक ड्राइवर होता है उस ड्राइवर को क्या क्या मुश्किलात पेश होती हैं? सही, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको बताता हूँ कि एक ड्राइवर को क्या क्या मुश्किलात पेश होती हैं। सही, सबसे पहले तो ड्राइवर की कोई मर्जी नहीं होती है, उसको बस बोले दिया जाता है कि मुलाजम करीम छोटी बाजी को छोड़ कर आओ। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। कौन सी यूनिवर्सिटी में छोड़ते हैं? सही, मैं उनको छोड़ता हूँ। वो रोड देखा है तुमने? पर तू तो नहीं पहुँच जाएगा ना किधर? नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके जाने के बाद आऊँगा। हाँ तो फिर ठीक है ना। सही, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं छोटी बाजी को यूनिवर्सिटी छोड़ता हूँ। तो इसमें क्या मुश्किल है? सही, सारा सीन सपटा तो यही शुरू होता है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाइक वाले होते हैं ना रोड पे, जो बाइक वाले छों छों करके घूमते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है, ये गाड़ी के अंदर ऐसे देखते हैं जैसे इनकी बिन रुखसत होके जा रही हो, और इधर उधर गाड़ी को लेकर जाते हैं। दिल तो करता है बाबा साईं इनको डिस्को के सिग्नल पर ठोकूं तो सीधा अल्लाह वाली चुरंगी पर पहुंचे। और सही, मैंने जब भी गाना लगाया हो ना तो उस गाने को हटा देते हैं। एक सेकंड, आप कौन सा गाना सुनते हैं? ओ मजबूर आ, ओ मजबूर आ, आशिक मजबूर पावे जदो भी कतार होवे। ओ मजबूर आशिक मजबूर पावे जदो भी कतार होवे। और सही, जब भी ये लोग गाड़ी में बैठते हैं ना तो पता नहीं कौन से लकड़ बगे के जमाने के गाने लगा देते हैं। सही, जब भी सब खाने पर जाते हैं ना तो मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं कि अब्दुल करीम भाई आप जाकर जरा दाल खा लो। खुद अंदर बैठ कर ये लोग बिगर खाते हैं और हमें बाहर की दाल खिलाते हैं। आपका मतलब है बर्गर? सही, तुम तो समझ गए ना? हाँ वो तो मैं समझ गया। आपने जहां बताया कि आप काम करते हैं, आप उससे पहले क्या काम करते थे? सही, उससे पहले मैं स्कूल के लिए ड्राइवरी करता था। सही, उस समय भी एक अलग पंचायत है, पहले आप 6 बजे उठो, उसके बाद 6:30 की शिफ्ट पहुँचाओ और 8 बजे तक बच्चे स्कूल में फेंकते रहो। और अंदर से इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि सही आपने माँ बाप की बातें भी सुननी है, आपने टीचर की बातें भी सुननी है, अपने मैडम की बातें भी सुननी है, और फिर स्कूल वेन के अंदर छोटे छोटे बच्चों की बड़ों वाली बातें भी सुननी है। सही, इन सब के लिए इतना मगजमारी करने के लिए गले का अजाब बन जाते हैं। सही, हमारे ये लोग इसके लिए बड़ा जर्फ चाहिए होता है। क्या 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 जर्फ चाहिए होता है? जर्फ चाहिए होता है भाई जान, जर्फ। अच्छा अच्छा, जर्फ सॉरी। अच्छा आप मुझे ये बात बताइए कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप काफी टाइम से सोए नहीं है। सही, ड्राइवर को सोने का टाइम कहाँ मिलता है? सुबह पहले उठो, बच्चों को स्कूल छोड़ो, आकर ऑफिस छोड़ो साहब को, उसके बाद बाजी को लेकर जाओ शॉपिंग पर, आकर बाजी को शॉपिंग से वापस आकर लेकर जाओ छोटी बाजी को यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में जो खाली टाइम होता है उसमें कहते हैं कि मुलाजम करीम इधर आना जी साहब जी, कहते हैं जरा गाड़ी को कपड़ा मार दो।
काफी मेहनत का काम है, काफी थक जाते होंगे आप। साईं जैसे ही आराम से बैठता हूँ तो सब की कॉल आ जाती है कि मुलाजम करीम जरा गाड़ी ले आओ। और साईं ड्राइवर बनने का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैं स्कूल के लिए ड्राइवरी करता था ना तो कभी लेट हो जाते थे हम लोग, तो कहते थे सॉरी बाजी, माजरत बाजी, बाजी अब कल से नहीं आएगा बाजी, कल सितंबर पे आएंगे बाजी। और अभी भी छोटी बाजी जो बड़ी बाजी यूनिवर्सिटी पे छोड़ के आता हूँ ना बाजी को, इन सब में बाजी आ जाइए बाजी बैठ जाइए, इन सब के अंदर इतना बाजी 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 करने के चक्कर में जब बीवी बोलती है ना घर में कि 2 किलो आलू 1 किलो प्याज ले आइएगा, तो मुँह से निकलता है कि हाँ बाजी ले आऊँगा वापसी में। तो फिर बीवी क्या बोलती है? साई बीवी बोलती है कि 2 दफा और बोलो मुझे तो फारग करो। अच्छा सॉरी। अच्छा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सिर्फ लाइक नहीं करना। अरे अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नीचे सब्सक्राइब करो, समझे?